कांग्रेस ने ब्लेम लगाया था कि जो स्कैम किया है, जनाब कमीशन रखी है जी सरकार ने, ये जो ड्रोन डील हुई थी, तो उसका सवाल जवाब किया जाएगा कि उसका क्या कुछ निकलता था। देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3-2-1 स्टार्ट। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। दो दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने आपसे बात की थी MQ-9B डील को लेकर। उस वीडियो के दौरान हम लोगों ने कांग्रेस के 7 क्वेश्चंस लिए थे, लेकिन आंसर हम लोगों ने केवल 3 क्वेश्चंस के ही किए थे। देखिए, हमारा मानना है कि डिफेंस को लेकर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन डिफेंस को लेकर पॉलिटिक्स होती है और पास में भी पॉलिटिक्स होती आई है। आप में से बहुत सारे लोग यंगस्टर्स हैं और शायद आप में से कई लोगों को ये चीज पता ना हो कि साल 2005 में जब स्कॉर्पियन डील हुई थी तो वहाँ भी इसी तरीके के एलिगेशंस आए थे। इनफैक्ट हर एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट को अगर आप उठाकर देखें और उस प्रोक्योरमेंट के नाम के साथ में स्कैम लगाकर अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको हिस्टोरिक चीजें मिलती चली जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि भारत में किस तरीके की पॉलिटिक्स पास्ट में भी होती थी और आज भी वही चीजें हो रही हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं जहां पर BATI नेपट्यून की डील में EADS वाले ऑफर के साथ में चीजों को कंपेयर करके इसको स्कैम बताया गया था। और उस समय BJP ऑपोजिशन में थी तो एलिगेशंस उनकी तरफ से आते थे, अभी कांग्रेस ऑपोजिशन में है तो एलिगेशंस इनकी तरफ से आते हैं। लेकिन नुकसान दोनों ही केसेस में इंडियन आर्म फोर्सेस को होता है। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरीके से दूध से धुली हुई हैं, या फिर ये सारे एलिगेशंस जो लगते हैं वो हमेशा गलत ही होते हैं, लेकिन नुकसान हमेशा इंडियन आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटीज को ही होता है। आइए एक बार इन 7 क्वेश्चंस को एक एक करके आंसर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो के दौरान हम लोगों ने सोचा था कि रेटोरिक को यहाँ पर हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे, लेकिन चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं और जरूरी है कि ये 7 के 7 क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर्स आप सभी के साथ में शेयर किए जाएं, जिसको आप आगे चलकर अपने फ्रेंड्स के साथ में या रिलेटिव्स के साथ में भी शेयर कर सकें। पहला क्वेश्चन है कि CCS का अप्रूवल अभी तक क्यों नहीं लिया गया है और ये डील कैसे साइन कर ली गई है। देखिए, इंडिया में जब डिफेंस प्रोक्योरमेंट होता है तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से आती है और ये कमेटी डिफेंस मिनिस्टर द्वारा लीड की जाती है। उसके बाद में कमर्शियल नेगोशिएशंस होते हैं, जिस फेज में इस समय ये डील है, और एक बार जब कमर्शियल बिड आ जाती है उसके बाद चीजें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास में जाती है, जहां पर प्रधानमंत्री के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। इस समय ये डील नेगोशिएट की जा रही है और अभी तक दोनों पार्टीज यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में कोई भी सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन एक बार जब ये कमर्शियल नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद चीजें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास में जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों भारत इतना ज्यादा पैसे देकर इन ड्रोन्स को खरीद रहा है। एग्जाम्पल के लिए उन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट शेयर किया है उसके हिसाब से US एयरफोर्स को 56.5 मिलियन पर एक ड्रोन मिल रहा है, UK को 12.5 मिलियन पर एक ड्रोन मिला था, ऑस्ट्रेलिया को 137.58 मिलियन पर एक ड्रोन मिला है, स्पेन को 46.75, ताइवान को 54.40, नीदरलैंड और इटली को 82.5 मिलियन पर यूनिट, वहीं पर जर्मनी को ये केवल 17 मिलियन पर यूनिट पड़े हैं। वैसे अगर आप इंडिया की डील पर जाने से पहले केवल इन्हीं चीजों को कंपेयर करें तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर 12.5 मिलियन सबसे कम कीमत है जो UK की है और 137.58 मिलियन सबसे ज्यादा कीमत है जो ऑस्ट्रेलिया की है। यानी कि जनरल एटॉमिक अपने ही देश को लगभग 3 गुना कीमत पर ये ड्रोन्स बेच रहे हैं और UK और जर्मनी को ये ड्रोन्स काफी कम कीमत पर बेच रहे हैं। कारण ये है कि UK और जर्मनी दोनों नेटो के मेंबर हैं और उनके पास में ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत की भी आवश्यकता नहीं है और इसमें इंटीग्रेट होने वाले हथियार भी उन लोगों के पास में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। और रही बात UK की, तो वो इन ड्रोन्स के साथ में अपने खुद के वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को इंटीग्रेट करके एक और अलग तरीके का ड्रोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी प्राइसिंग और ज्यादा डिफरेंट है। ट्विटर पर ऑगस्टिन विनोद सर ने बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ में इस चीज को एक्सप्लेन किया था और उन्होंने कहा था कि इन ड्रोन्स को आप एक शॉपिंग बैग की तरीके से मान लीजिए और आप उसके अंदर जितनी कॉस्टली चीज डालते जाएंगे आपका शॉपिंग बैग उतना महंगा होता चला जाएगा। जहां UK और जर्मनी के बैग्स लगभग खाली बैग्स हैं क्योंकि वो अपना सामान खुद ऐड करेंगे, वहीं पर US, स्पेन, नीदरलैंड और इटली आधा सामान ही खरीद रहे हैं क्योंकि आधा सामान उनके पास में ऑलरेडी मौजूद है। रही बात भारत की,
तो इस समय भारत के पास में ना ही पुराने यूएस ड्रोन्स हैं, यानी कि हमारे पास में ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन नहीं है, ना ही हम लोग नेटो के मेंबर हैं, तो इसके ऊपर जाने वाले पॉड्स, हथियार और स्पेयर्स को भी हम लोगों को खरीदना पड़ेगा, और इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग भी हम लोगों को यूएस से लेनी पड़ेगी। इन सभी चीजों की कॉस्ट होती है और उसी हिसाब से ओवरऑल पैकेज नेगोशिएट होता है। प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप डील की पूरी कीमत बताते हैं तो उसमें हार्डवेयर की कीमत लगभग 50% की होती है और रिमेनिंग 50% उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेयर्स, ट्रेनिंग और वेपन सिस्टम्स की कॉस्ट होती है। लेकिन अगर आप स्प्लिट पूरी तरीके से बता देते हैं तो एनिमी काफी आसानी से एस्टिमेट कर सकता है कि आपके पास में कितने बॉम्ब्स या मिसाइल सिस्टम्स हैं, और ऐसी सिचुएशन का मतलब है कि आप ताश खेल रहे हैं और पीछे शीशे से कोई आपके पत्ते सामने वाले को दिखा दे। यही कारण है कि नॉर्मली जो गवर्नमेंट पावर में होती है वो प्राइसिंग का स्प्लिट नहीं बता पाती है और इसी चीज का फायदा उठाती हैं ऑपोजिशन पार्टीज। कांग्रेस की तरफ से जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से इंडियन एयरफोर्स इस डील में इंटरेस्टेड नहीं थी, और मीडिया रिपोर्ट्स का रेफरेंस लेकर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये महंगे ड्रोन्स इंडियन एयरफोर्स के ऊपर थोपे जा रहे हैं। देखिए, पहले तो मीडिया रिपोर्ट्स का रेफरेंस लेकर कोई एलिगेशन लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया टुडे की रिपोर्ट है जहाँ पर कहा गया है कि 100 प्रेडेटर ड्रोन इंडियन एयरफोर्स खरीदना चाहती है। इनफैक्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडियन एयरफोर्स 100 एवेंजर ड्रोन्स में भी इंटरेस्टेड थी। ये इंडिया की पहली ट्राई सर्विसेज प्रोक्योरमेंट है और तीनों फोर्सेस मिलकर इन ड्रोन्स को अक्वायर करना चाहती हैं। इसी के चलते तीनों फोर्सेस मिलकर कुछ नंबर्स पर अराइव हुई थी, और जब ये नंबर कंसोलिडेट किए गए तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को 31 का नंबर मिला और उसी को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी गई है। चौथा क्वेश्चन है तपस BH-201 को लेकर। इस ड्रोन के ऊपर DRDO की तरफ से काम किया जा रहा है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी तपस के ऊपर है उस तरीके की टेक्नोलॉजी आपके साथ में कोई भी देश शेयर नहीं करेगा। लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि तपस और स्काई गार्जियन ड्रोन दो अलग अलग कैटेगरी के ड्रोन हैं। एग्जांपल के लिए तपस केवल 300 किलोग्राम का वजन उठा सकता है, वहीं MQ-9B 1700 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सक्षम है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि तपस का वेट 1800 किलोग्राम का है, यानी कि थ्योरेटिकली MQ-9B तपस को ही उठा के लेके जा सकता है। ओवरऑल ये दोनों ड्रोन काफी अलग कैटेगरी के ड्रोन्स हैं और इस वजह से इनको कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इन ड्रोन्स को लेकर केवल 8-9% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, तो क्या भारत सरकार इन ड्रोन्स को लेकर ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर फोकस नहीं कर सकती थी? देखिए, इन ड्रोन्स के ऊपर डेटा लिंक को छोड़कर ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस समय भारत के पास में मौजूद ना हो, और जहां तक मेरी जानकारी जा रही है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थोड़ी और टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली इंजन मैनेजमेंट पर यूएस के साथ में इस समय नेगोशिएट कर रही है। देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होती है तो उससे रिलेटेड कॉस्ट ऐड होती है, और जब आपके पास में वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद है तो मेरे हिसाब से वहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ दिनों पहले तक रिक्वायरमेंट केवल 18 ड्रोन्स की थी, अब वो रिक्वायरमेंट बढ़ाकर 31 ड्रोन्स कैसे कर दी गई है? देखिए, यहाँ पर जिसने भी कांग्रेस का डॉक्यूमेंट बनाया है वो मीडिया रिपोर्ट्स को समझ नहीं पाया। देखिए, तीनों सर्विसेज की रिक्वायरमेंट लगभग 100 ड्रोन्स की है, और फोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा था कि कम से कम 18 ड्रोन्स हम लोगों को पहले लॉट में चाहिए और बाकी और ड्रोन्स अगले लॉट में भारत खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पर चीजें नेगोशिएट की गई हैं और चीजों को कंसोलिडेट करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये 31 का नंबर लाया गया है। देखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जब दिया जाता है तो तीनों फोर्सेस के चीफ डिफेंस मिनिस्टर के साथ में बैठे होते हैं और तब जाकर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ये अप्रूवल देती है। रही बात आखिरी क्वेश्चन की, जो जनरल एटॉमिक के CEO को लेकर बोला गया है कि उनके BJP के क्या लिंक हैं, वो चीज हम लोग एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। अगर आपको कोई आइडिया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। वीडियो खत्म थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इस टाइप की वीडियो जो है ना हमने पहले दफ़ा की है, और आज से कुछ अर्सा पहले ना, बल्कि काफ़ी साल हो गए, तकरीबन 2014-15 की बात है, उस वक्त ना शहबाज शरीफ प्रोग्राम हुआ था, उसके तहत ना शहबाज शरीफ था ना लैपटॉप, जिसमें लैपटॉप दिए थे स्टूडेंट, वो तो आज दोबारा से कर रहे हैं। चलो दोबारा से कर रहे हैं, जो भी है उसमें लैपटॉप दिए गए थे और उसकी कीमत कितनी, मेरे ख्याल में 40-60-35 हज़ार बताई गई थी कितनी क्या ये बना है। 18 तक तकरीबन उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, चाइना से भी बाद में पता लगा, तो चाइना के थे
तो बाद में जब पता चला कि भाई साहब वो 20,000 का 18-20,000 का था लैसा, उसमें करप्शन की गई, तो मतलब ये कि इनकी अपनी कमीशन होती है। लेकिन बाद में ये भी पता चला कि वो जो ना बड़े बड़े स्कूल टीचर और जो कॉलेज के प्रोफेसर है उनकी तनख्वाही काट कर वो दिए गए थे, बाद में ये भी पता चला था, मतलब दोनों तरफ से गड़बड़ की गई थी। चलो वो भी चलो अच्छा ही है कि चलो गवर्नमेंट के पैसे बचे, लेकिन ये तो उनकी में गए। तो यहाँ पर बात आती है ड्रोन डील की। तो हम तो भाई बड़े अच्छे से सुन रहे थे आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, जो इतना मतलब इतने 9 साल हो गए कम से कम, तो आज भी अगर इतने पास पे वो काम चल रहा है उसकी डेवलपमेंट के लिए कितना ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, तो फिर भी बाहर से लेने हैं टेक्नोलॉजी। यार ये भी तो देख रहा, वो जो एडवांस हो चुके हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को पहले लेंगे इंडियन, फिर उसके ऊपर काम करके उससे और आगे बढ़ाकर चीजें बनाएंगे, ये भी तो है ना। ये आज एडवांस हो जाएंगे वो 4 साल और हो जाना है। हाँ ये बात है, लेकिन उनकी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी लेने के लिए उनके से कुछ ना कुछ तो परचेज। और भाई हमने तो सुना था डील में ये जो अमेरिका के साथ हुई है इसमें उन्होंने कहा नहीं था कि 80% टेक्नोलॉजी है वो हम आपको देंगे। 80% सुना तो यहाँ पे तो भाई अलग ही लिख रहा है, 8-9% टेक्नोलॉजी वो ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन इंडिया को महंगे भी इसी वजह से पड़े क्योंकि सारा कुछ ही लेना उनसे, ट्रेनिंग भी उनसे लेनी, ट्रेनिंग लेनी और जो हथियार लगेंगे वो भी, सिर्फ ढांचा नहीं लेना, वो जिनको सस्ते पड़ रहे हैं ना। लेकिन ये भी असल में अब मैं बताता हूँ ऐसा महंगे तो है ही, बात तो वैल्यू तो ड्रोन की डालेंगे ना, बाकी जो ट्रेनिंग वगैरह वो तो अलग से होगी, उसकी कॉस्ट भी इसके ऊपर ही डाल देते हैं, इसी वजह से महंगे। और सवाल फिर ये उठाया जा रहा था कि फोर्सेस की तरफ से कहा गया है कि 18 चाहिए हमें, उससे निजाम चल सकता है। नहीं 18 पहले चाहिए, उससे निजाम चल सकता है, फिर 31 की डील जो है वो क्यों की गई? यार वो तीनों जो फोर्सेस है ना उनको सभी को मिल मिलाकर देने, इस वजह से 18 से बढ़ाकर 31 कर दिए गए। तीनों फोर्सेस बिल्कुल डील 100 की है, मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन वो जैसे लैपटॉप वाली बात तो कर रहा है ना, यहाँ पर भी कोई ना कोई घोटाला होने वाला है भाई। चलो हो या ना हो भाई, कहीं ना नहीं तो ये अपोजिशन वाले और मीडिया वाले भाई सब छोड़ते नहीं, और जो एक तो इंडिया का जो सिस्टम है 10 रुपए डाल के वो पूछ सकते हैं, कोई भी बंदा पूछ सकता है कि भाई ये जो डील हुई है ये क्यों, और अक्सर ये इसमें कोई दूरी राय भी नहीं भाई साहब, ये जो सियासतदान होते ना ये इतना करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करके किस लिए आते हैं सियासत में, खाने के लिए आते हैं ये इतने देर बिल्कुल नहीं, ये भाई साहब करोड़ों रुपए ऐसे नहीं लगा के आते, इतनी इन्वेस्टमेंट करके आते हैं और इसमें फिर कोई फायदा तो दे रहे हैं, इतनी तनख्वाह क्या होती, इतनी इनकी तनख्वाह कितनी थी, 4,00,000, 2,00,000, 2,50,000, ये क्या तेरी तला वो करोड़ों रुपए वो यहाँ तनख्वाह पूरे होते, वो 30 लाख कमा लेंगे बिल्कुल साल में 30 लाख। लेकिन ये बात हो ना काम तो अच्छा कर रहे हैं कंट्री के लिए, पाकिस्तान की तो तरह नहीं है ना, इन्होंने तो सारा खा ही नहीं है, छोड़ा क्या, अगले दिन अब जब खा खा कर थक गए तब बोल दिया हमारे पास तेल नहीं है। अभी पाकिस्तान ड्रोन लेने की बात कर रहा था उस वक्त तो कह रहा क्यों ले रहा है ड्रोन, मीडिया भी बता रहा है और अपोजिशन भी बोल रही है हमें बताओ कितने की डील की है, क्या क्या डील किया है, हमें कभी बताया गया है, पता नहीं वो बेकार जो चीजें वो पाकिस्तान को दे देते है, नई चीज नहीं लेकर आए थे वो ट्रेन वो कितनी खतरनाक। अच्छा एक और भी बात सुन ले, ये आर्मी वाले चीजें निकाल नहीं लेते, उनको पता है कि भाई हम ले रहे हैं और हमने इस्तेमाल करनी है और इसके जवाब दे भी हम ही हैं, तो वो चीज तो अच्छी वो रहे हैं हमारे टैंकरों के अंदर तेल नहीं, तेल नहीं तो क्या होने यार अलग बात है क्या हो जाएगी, तो भाई मेरे आपसे कहने का मतलब ये जो है नहीं चांसेस होते हैं
हम इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन भाई साहब अपोजिशन सवाल उठाती है, ये और उठाना भी चाहिए, बनता है। और अगर अपोजिशन ही कमजोर होगी तो हुकूमत क्या करती है, वो अपनी मनमानियां करे। अब कोई घोटाला करें तो भाई बड़ा छुप छुपा के फरार बात करते हैं कि नजर भी ना आए। ऐसा नहीं कि एक रेत भी वो एक जो है वो चंगारी या जिसको मटर बोलते हैं वो रेत का हो तो वह सॉरी एक वो सीमेंट का और उसमें रेत बहुत ज्यादा ही मिला दी है, जिस तरह ठेकेदार करते हैं ना सरकारी बिल्डिंग बनाते वक्त अक्सर करते हैं, पहले गिर जाती है। हाँ, इस तरह बिहार में कोई कोई ना कोई खराबी तो भाई साहब करप्शन की होती है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये भाई साहब डील जो होती है इसमें करप्शन होती है कि नहीं, कुछ भाई बोलेंगे कि नहीं होती भाई साहब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनका हिस्सा ज्यादा ना होती है। जिस तरह अब आप ये बोलेंगे पाकिस्तान के साथ कंपेयर मत करो, भाई साहब पास्ट में हो चुका है इंडिया में, तो ये पाकिस्तान उसमें देख लो 88 बंदा गया ट्रेन देखने और फिर वो खराब ले आया। तो ठीक है भाई, अपनी राय बताइए कमेंट सेक्शन में, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़। और भाई साहब हाँ, वो आत्मनिर्भर बनने वाला जो था वो कब मतलब कितने सालों तक का है वो भी एस्टीमेट थोड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें कम्प्लेन आप बैठ ले रहे हैं, ड्रोन आप बैठ ले रहे हैं, एयरक्राफ्ट आप बैठ रहे हैं, क्यों बिलियन ऑफ डॉलर जो बैठ चले जा रहे हैं, फिर वो आत्मनिर्भर कब बनता नजर आ रहा है। तो ठीक है भाई, मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।